मैं चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। नमस्ते नमस्ते। मैं इसका आपका लिविंग हैप्पी देखते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं ये नहीं पता था आप इस बैंक में मिलोगे, आज मुलाकात हो गया आपसे, मुलाकात इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, योगिक डाइट के बारे में बताना देने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो देखिए साहब, ऐसा है कि हमें योगिक डाइट जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये फूड ही कितने तरह के होते हैं, डाइट ही कितने तरह के होते हैं और डाइट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मुख्यतः हमें वेजिटेरियन और बैलेंस डाइट, आप नॉनवेज खाते होंगे तो बुरा मत मानिए, आप नॉनवेज खाते ही रहिए, तो वेजिटेरियन बैलेंस डाइट हमें खाना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें, जो कि मॉडरेट हो, मामूली ही हो, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड ना हो, प्योर हो, यानी कि किसी भी तरह के कंटेमिनेशन ना हो, जो कि हमारे सभी पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करे। हमारे जरूरत होते हैं मित्रों हमारे मस्तिष्क की, शरीर की, इन दोनों चीजों में एक संतुलन स्थापित कर सके, ऐसा ही फूड हो, सही फूड हो, जिसे कि हम सही मनोदशा के साथ, राइट एटीट्यूड के साथ और सही समय पर खाएं। मित्रों जो भी मील हम ले रहे हैं सही टाइम पर ले, और यही कहलाते हैं हमारे योगिक डाइट। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा मित्रों कि हमारे प्राचीन काल में भी डाइट पर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया था, इसे अलग अलग वर्गीकरण किया गया था, बांटा गया था, जिसे कि मुख्यतः तीन तरह का बांटा गया था, जिसमें पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। ये तीन कैटेगरी थे हमारे, बेस्ट थे, जो कि गुण पर हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, जो हमारे अंदर हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होते हैं और इसी कारण से हमारी पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है। तो तीन गुण होते हैं मित्रों हमारे अंदर, सत्व गुण जिसे प्यूरिटी बोलते हैं, दूसरा होता है राजस एक्टिविटी और थर्ड होता है तामस इनर्शिया। इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर ही और अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में ये सारे गुण होते हैं, हमारे व्यवहार भी बदलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मित्रों सात्विक डाइट कि सात्विक डाइट आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सात्विक डाइट के लाभ क्या हैं। तो यह हमारे आयु को बढ़ाता है, अगर आप परमानेंट सात्विक डाइट ही ले रहे हैं तो आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाएगा, आपके मेंटल एसेंस जो यहाँ नूर है, ये नूर है, चमक है, ओज है, तेज है, ऐश्वर्य है, इन सबों को बढ़ाता है, हमारी शक्ति बढ़ाती है, हमारे स्वस्थ देता है, हम निरोग ही रहते हैं और हमें आनंद जिसे बोलते हैं कंफर्ट और प्लेजनेस, ये सब आपको मिलेंगे अगर सात्विक भोजन का आप परमानेंट पोषण करेंगे। तो अब मैं बताऊं कि ये होता क्या है। तो इसके लिए यह सात्विक भोजन हमेशा प्राकृतिक रूप में ही मिलता है, अनप्रोसेस्ड नहीं करना पड़ता, किसी भी तरह के एडल्ट्रेशन की जरूरत, मिलावट की जरूरत नहीं पड़ती है। यह हमें खेत में, गार्डन में एज इट इज मिलते हैं और इसका जब हम खाते भी हैं या तो हम इसे कच्चा ही खा लेते हैं या थोड़ा बहुत स्टीम करके या थोड़ा बहुत पका के। कायदे से खेत से और हमारे किचन के बीच किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं होती, फैक्ट्री ये नहीं जाता है। जैसे बिस्किट देखिए, खेत से मैदा, खेत से जौ बना, मैदा बना, फैक्ट्री गया और फिर बिस्किट आया, तो ये सात्विक में नहीं है। यानी कि खेत से किचन सीधा आना चाहिए, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। यह ताजा हो और किसी भी तरह के एडिटिव, जो कि हम केमिकल वगैरह देते हैं, प्रिजर्वेटिव देते हैं, इस तरह की चीजें इसमें ना हो और ताजा ही बना हुआ भी होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा हो, ऑर्गेनिक हो, हमारे प्रकृति में बिल्कुल मेल खाता हुआ इन्हें उगाया गया हो। और जब हम बनाते हैं मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब हम सात्विक भोजन बनाते हैं या खाते हैं तो प्यार के साथ बनाना भी होता और प्यार के साथ ही खाना भी होता। जिन्होंने प्यार से बनाया है उनके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड, भी आभार व्यक्त करते हुए ही खाना चाहिए, किसी भी शिकायत से परे होते हुए। इसे हम नेचुरल रा, स्टीम्स या थोड़ा बहुत कुक करके भी खा सकते हैं। जो आदमी चाहते हैं सूझबूझ के साथ काम करें, बुद्धिमता के साथ, विजडम के साथ,
उनके लिए सात्विक भोजन बड़ा ही बेहतर है, बेहतर ही आधार है। जो योग के साधक हैं उनके लिए सात्विक भोजन बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इसकी विवेचना और विवरण गीता के 17वें अध्याय में 8वें श्लोक में भी मिलता है, जिसमें कि सात्विक भोजन की परिभाषा के रूप में बताया गया है कि सात्विक भोजन हमारे जीवन को प्रमोट करता है, वर्च्यू को, स्ट्रेंथ को, हेल्थ को, हैप्पीनेस को, सेटिस्फैक्शन को, इन सभी पॉजिटिव क्रेडेंशियल को हम पा सकते हैं सात्विक भोजन के नियमित पान से। सात्विक भोजन एक संतुलित कॉम्बिनेशन है मित्रों, बैलेंस कॉम्बिनेशन है किस चीज का, हमारे होल ग्रेन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पल्सेस होते हैं, दाल होते हैं अलग अलग तरह के, लेंटिल्स, नट्स, सीड्स जिसमें की प्रोटीन की प्रचुरता होती है, और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं जिसमें की विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और यह ध्यान देना है मित्रों कि वेजिटेबल होते हुए भी ओनियन, गार्लिक और मशरूम इन्हें सात्विक नहीं माना गया है, बेशक इन्हें एक मेडिसिनल डाइट के रूप में लिया जाता है। इनके कई फायदे हैं, इनको हम बाद में डील करेंगे। हर्ब्स, नेचुरल स्वीटनर्स जो कि हनी है, ये सब भी सात्विक कहलाते हैं। ड्राई फ्रूट हैं, मिल्क हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, नेचुरल शुगर हैं जैसे कि जैगरी, हनी। प्लांट वेस्ट ऑयल हैं जिनमें कि सीसम, सनफ्लावर, ओलिव, कोकोनट आते हैं। स्पाइसेस की कैटेगरी अगर लीजिए तो उसमें कोरिएंडर आते हैं, क्यूमिन है, फिनल है, फेंगुग्रीक है, ब्लैक पेपर है, सीसम है, कैरम है, सीड्स, पोमोग्रेनेट सीड्स हैं, जिंजर, होली बेसिल, मिंट, कैरेडोमेन, सिनेमिन और टर्मरिक आदि कई ऐसे मसाले हैं जिन्हें कि सात्विक भोजन में रखा गया है। तो मेरा तो सलाह यही होगा कि हम सबों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, तभी हम योगी बन सकते हैं। अगला आता है मित्रों राजसिक डाइट। राजसिक डाइट में हम जब काफी उत्तेजक चीज खाते हैं, ओवर स्टिमुलेटिंग, जो कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है, और इसके साथ ही हमारे बॉडी और माइंड के बैलेंस को तहस नहस कर देता है, और इसी के कारण हमारे रेस्टलेसनेस भी आ जाते हैं हमारे माइंड में। आप देखते होंगे कई लोग में बेचैनी हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, बीमार पड़ते हैं अक्सर, और कई बार ऐसे पाए गए हैं कि उनमें निगेटिव इमोशंस, हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो गलत किया, इस तरह के कई वेरियस निगेटिव इमोशंस भी राजसिक डाइट के पान के कारण हो जाते हैं। और इसके साथ ही अगर बायोलॉजिकली आप देखें तो यह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम में भी कई तरह के डिसऑर्डर पैदा कर देता है। सात्विक फूड अगर हम जल्दीबाजी में खाते हैं, आपने बनाया तो चुनाव तो किया लेकिन जल्दीबाजी में खा रहे हैं, गलत समय पर खा रहे हैं, गलत तरीके से भी खा रहे हैं तो, और गलत मनोदशा से खा रहे हैं, गलत एटीट्यूड से खा रहे हैं, गुस्सा में खा रहे हैं, तो वह सात्विक भोजन भी राजसिक हो जाएगा, यानी कि वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सात्विक को सात्विक बनाए रखने के लिए जरूरी है मित्रों की सही एटीट्यूड के साथ खाया जाए। राजसिक फूड का भी चर्चा किया गया है मित्रों भागवत गीता में 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जिसमें कहा जाता है कि जब हम किसी भी भोजन को एक्सेसिवली हॉट खाते हैं, बहुत ही ज्यादा मसालेदार, ज्यादा ही कड़वा, ज्यादा ही सड़ा हुआ बदबूदार चीज को खाते हैं जो कि हमारे जिह्वा को बेहतर ना लगे, तो उसे ही हम राजसिक कहते हैं। राजसिक फूड हमारे एक कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, कॉफी है, टी है, कोको कोला तरह के, चॉकलेट, टोबैको और गार्लिक, ओनियन को भी राजसिक फूड, क्योंकि इनसे हमें गर्मी आती है, ये रखते हैं। इसमें ओवरली प्रोसेस्ड फूड जो कि बहुत ही ज्यादा मशीन के द्वारा या आर्टिफिशियली एडिटिव डाल के जो भोजन बनाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मसालेदार, खट्टे, ज्यादा ही ओवर फ्राइड, ओवर कुक्ड भोजन जो है, ज्यादा साल्ट के साथ, जैसे हम अभी कुरकुरे, तरह तरह के चिप्स वगैरह खाते हैं, इन सबों को जहां हॉट चिली वगैरह इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमें इरिटेशन भी
पैदा कर देते हैं कई बार, यहाँ तक कि म्यूकस मेम्ब्रेन तक उनका असर हो जाता है। कई बार आप पाते होंगे कुछ ऐसा चीज खाए और लूज मोशन शुरू हो गया, डायरिया शुरू हो गया, तो ये सब चीज को राजसिक में रखा गया। और अंत में आता है मित्रों तामसिक भोजन, तामसिक में के कारण, तामसिक भोजन के कारण हमें फटीग आ जाता है, बिना काम किए भी हम थकावट महसूस करते हैं, शरीर पूरा भारी भारी हैवीनेस आ जाते हैं, डलनेस लगता है, इतना आलस आ जाता है, इतना अकर्मण्यता आ जाता है, इतना लेथार्जी हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता और हमारे शरीर के एबिलिटी को वो घटा देता है तामसिक भोजन खाने से। हमें अननेसेसरली स्ट्रेस भी ला देता है जो कि हमारे रोग के प्रतिरोधक क्षमता को मुख्यतः यह बहुत ही ज्यादा घटा देता है तामसिक भोजन। इनमें प्राण नहीं होती है और इसी कारण से हमारे माइंड और बॉडी में बैलेंस नहीं ला पाता है। सात्विक भूत की बात अब मैं करता हूं, तो जब ये जलते हैं, जब इन्हें ओवर ईटन मात्रा से ज्यादा ही खा लिए, कोई बेहतर ही फल ही खा लिए, लेकिन 2 किलो फल खा लिए, आप 20 केले खा लिए, 4 केला 5 केला तक तो सात्विक था, लेकिन अब आपने 10 केला खा लिया कहीं से, तो अगेन वो तामसिक हो गया। कितना भी वो बेहतर हो लेकिन ओवर ईटिंग किए, ओवर बर्न्ड करके खा रहे हैं। अब ड्राई फ्रूट ही है लेकिन ड्राई फ्रूट आप 250 ग्राम्स खा लिए तो वो तामसिक हो गया, आपके लिए वो डलनेस हैवीनेस ले आएगा। तो इस तरह से हमारे सात्विक फूड से आपको तीनों चीज हमने कनेक्ट किया। आप तामसिक फूड की भी परिभाषा 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में पाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वह बासी खाना, सड़ा हुआ, बिना टेस्ट का, अपवित्र, झूठा या ज्यादा ही पका हुआ या उभर पका हुआ खाना को हम तामसिक खाना कहते हैं। तामसिक फूड को हमें जरूर ही नहीं खाना चाहिए, और स्पेशली जो क्रोनिक डिजीज, कई तरह के डायबिटीज, बीपी, शुगर से, क्रोनिक डिजीज से जो सफर हो रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। रेड मीट, फिश, चिकन, एग, मशरूम, ओनियन, गार्लिक, विनेगर, ड्रग्स, अल्कोहल, आप बासी खाना खाते हैं, ओवर राइप, अनराइप, कच्चा भी खा लिए, कभी ज्यादा पका भी खा लिए, ज्यादा ही जला हुआ कोई चीज खा लिए, ज्यादा ही ओवरली प्रोसेस्ड कोई खाना खा रहे हैं, कोई सड़ा हुआ चीज जिसमें स्मेल आ रहे हैं फिर भी हम खा रहे हैं, डीप फ्राइड फूड, इन सभी चीजों को हम तामसिक फूड कहते हैं, जिनका कि हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्टोमिक में भी कई तरह की परेशानियां को पैदा करता है और पानी को भी यह अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से यह हमने जाना। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे फूड सिस्टम को जाना होगा, और इसके साथ ही यह भी जान लीजिए मित्रों कि हमें कोई भी ज्यादा खट्टा है, ज्यादा तीखा है, ज्यादा कड़वा है, ज्यादा गर्म है, ज्यादा ही साल्टी है, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज को अनहेल्दी कहा जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है आपने आज योगिक डाइट के बारे में संपूर्ण चीज देखा होगा, जिसमें कि हमने विस्तार से सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।